मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग करानी है, बट मार्केटिंग है क्या? अगर आप फंडामेंटल लेवल पे समझेंगे तो मार्केटिंग बेसिकली दो काम करता है, एक तो डिमांड जनरेट करना है, दूसरा जो कस्टमर आपकी सेल्स टीम से बात कर रहे हैं उनके पास इनफ डेटा हो आप पे ट्रस्ट करने के लिए, सो दैट वो फाइनली कन्वर्ट हो जाए। डिमांड जनरेशन के लिए आपको एक बात समझनी है कि इट इज नॉट ड्रिवन फ्रॉम द सेल्स टीम एट ऑल। कस्टमर को पता होना चाहिए कि मेरा जो बाइंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी जगह मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ये कस्टमर के साथ में मिलके मार्केटिंग को काम करना है। तो अगर आप एज ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट इफेक्टिवली काम करना चाहते हैं तो आपको कस्टमर का बाइंग प्रोसेस को समझ के उसके साथ आपको हेल्प करनी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो सबसे पहले क्या करेगा कस्टमर, देर आर पीपल जो कि अभी यही नहीं जानते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम भी फेस हो रही है या उनको किसी प्रोडक्ट या नए किसी सर्विस की जरूरत भी है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसेस दे आर डूइंग समथिंग, वो अपने बिना टेक के काम कर रहे हैं और आप एक टेक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, आपको लगता है कि अगर वो टेक यूज कर लेंगे तो उनका कॉस्ट कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कस्टमर को ऐसा नहीं लग रहा है, आपका टारगेट कस्टमर जो है उसको लगता है कि वो ग्रो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि शायद उनके पास फंडिंग नहीं है या फिर मार्केट नीचे जा रहा है, उनके दिमाग में कोई भी रीजन हो सकता है। तो पहला काम जो मार्केटिंग का है वो आपके कस्टमर के साथ बात करके उनको उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करना है। कैसे करेंगे? आप वो कंटेंट क्रिएट करेंगे जिससे कि आप जो करंट प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होंगे एज ए बिजनेस ओनर उसके बारे में बात करें। सो यू विल से कि क्या आपके ग्रोथ स्टैग्नेंट है, क्या आपकी एफिशिएंसी कम है, क्या आपकी कॉस्ट ज्यादा है, क्या आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो। उसके लिए आपकी मार्केटिंग टीम को टारगेट कस्टमर की तरह सोचना पड़ेगा, बिल्कुल उनकी पोजीशनिंग में जाके उनकी तरफ से समझिए 9 to 6 वो क्या काम कर रहे होंगे, एंड यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट दे आर करेंटली फेसिंग एंड यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स। इस स्टेज पर आपका कंटेंट कुछ भी और बात नहीं कर सकता, यू कैनॉट टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट्स सर्विसेज एनीथिंग अबाउट यू। इट दिस स्टेज दिस इज नॉट अबाउट यू, दिस इज अबाउट द कस्टमर एंड प्रॉब्लम्स that they are currently facing in day to day. ये जो content है ये context के साथ आप अगर बनाएंगे तो attention आपको customer की मिलेगी, अगले stages में आप उनके बारे में कुछ और कर सकते हैं।